ब्राजील में जिस बात का डर था वही होने लगा है। राष्ट्रपति चुनावों में हार के बाद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने हिंसा शुरू कर दी है। दक्षिण पंथी बोल्सोनारो समर्थकों ने रविवार यानी 8 जनवरी को पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद हिंसक समर्थक कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पैलेस और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। नव निर्वाचित राष्ट्रपति और देश के वामपंथी नेता लूला ने इसे फासिस्ट हमला कहा। नेशनल कांग्रेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस में गोलीबारी की भी खबर है। बोल्सोनारो ने इस खबर की घटना की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ब्राजील की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। हरे और पीले रंग के झंडे पहले प्रदर्शनकारियों का समूह ब्राजील के सत्ता का प्रतीक समझ जाने वाली कांग्रेस में घुस गया। कांग्रेस में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्यालय से प्रेसिडेंशियल पैलेस तक नजर आ रहे थे। इस हमले ने 6 जनवरी 2020 को अमेरिकी चुनाव के बाद कैपिटल हिल में हुई हिंसा को याद दिला दिया है। तब अमेरिका में चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था। बिल्डिंग में घुसे समर्थकों ने जमकर हिंसा और तोड़फोड़ की। बोल्सोनारो को हराकर एक सप्ताह पहले ही सत्ता पर बैठने वाले लूला इस वक्त देश के दक्षिण हिस्से में। उन्होंने कहा कि फासीवादी कट्टरपंथियों ने ऐसा कुछ किया है जो इस देश ने कभी नहीं देखा है। हम पता करेंगे कि किसने ऐसा किया और हम उन्हें कानून के नीचे लाएंगे। ब्राजील के न्याय मंत्री ने कहा कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन हम उन्हें ब्राजील के लोकतंत्र को तबाह नहीं करने देंगे। अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्राजील में पिछले 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें वामपंथी नेता लूला ने तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हरा दिया था। हालांकि लूला की जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। बोल्सोनारो के समर्थकों ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है और उनके नेता को हराया गया। 30 और 31 अक्टूबर को बोल्सोनारो के समर्थकों ने देश भर की सड़कों पर ट्रक लगाकर रोड जाम किया था। बोल्सोनारो समर्थकों ने रैली भी निकाली थी, जिसमें सेना के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। 22 नवंबर को बोल्सोनारो ने चुनाव के नतीजों को चुनौती दी, लेकिन उनका दावा खारिज कर दिया गया। 12 दिसंबर को ब्राजील की संघीय चुनाव कोर्ट ने लूला की जीत पर मुहर लगा दी। लूला की जीत के बाद बोल्सोनारो समर्थक आर्मी बेस के बाहर धरने पर बैठ गए और लूला को सत्ता की चाबी देने पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो बोल्सोनारो समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया और रविवार यानी 8 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील संसद की एक बिल्डिंग पर एक झंडा लहरा दिया, जिसमें सेना से हस्तक्षेप की अपील की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी9 डिजिटल।